दुनिया में बसे हर देश की अलग अलग मान्यताएं हैं जो वहां के लोगों को अलग बनाती हैं। शहरों के विकास हो जाने के बाद वहां की आबादी अपने कई रिवाजों को भूल चुकी है, लेकिन आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जापान। जापान में दांतों को काला करने का कल्चर था। यहाँ के लोग काले दांत को फैशन के रूप में देखते थे। जापान में अब यह कल्चर ना के बराबर है, लेकिन एक समय ऐसा था जब हर जापानी के दांत काले रंग के हुआ करते थे। बता दें कि यह फैशन सिर्फ जापान में ही नहीं फेमस था, इसे जापान के आसपास के कई एशियाई देशों में भी देखा जाता था। चीन, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम में भी यह ट्रेंड देखने को मिला था। जापान का दांतों को काला करने का यह रिवाज ओहागुरो के नाम से जाना जाता है। ये रिवाज हियान पीरियड में खूब फेमस था। हियान पीरियड साल 796 से लेकर साल 1185 के बीच का बताया जाता है। इस समय के दौरान जापान के लोगों ने दांतों को काला करने को सुंदरता और समझदारी की निशानी माना। दांतों को काला करने की प्रक्रिया तब शुरू होती थी जब युवक और युवतियां यौवनावस्था में प्रवेश करते थे। यह माना जाता था कि काले दांत रखना युवा और आकर्षक दिखने की निशानी है। इसके अलावा काले दांतों को स्वस्थ भी माना जाता था, क्योंकि इससे दांतों में कीड़े नहीं लगते थे और मसूड़े भी स्वस्थ रहते थे। काले दांत रखना न केवल सुंदरता की निशानी थी, बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा और उच्च वर्ग के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था। शाही परिवारों के लोग और समुराय अपने दांतों को हमेशा काला रखते थे। शादी या अंतिम संस्कार के दौरान भी लोग अपने दांतों को काले रंग का रंगवाते थे। मिलिट्री के जवान भी अपने मुंह की चोट को छुपाने के लिए दांत काले करते थे। हियान पीरियड में दांतों को काला करना महिलाओं के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय था। शादी की उम्र तक पहुंचने वाली लड़कियां भी इस प्रैक्टिस को जारी रखती थीं। कई लड़कियां अपने मुंह को सफेद कर लेती थीं ताकि काले दांत दूर से चमके। दांतों को काला करने के लिए जापान के लोग कानेमिजू नाम के पदार्थ का उपयोग करते थे। इसको बनाने के लिए वे लोहे की फीलिंग को सिरका, चाय और चावल की वाइन में मिलाते थे। लोहे की फीलिंग को या तो चाय में या फिर सिरका में मिला दिया जाता था। ऑक्सीडेशन होने पर वह लिक्विड अपने आप काला हो जाता था और तब उसे दांतों पर लगाया जाता था, जिससे पूरे दांत काले हो जाते थे। इस प्रक्रिया से दांतों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता था। हालांकि अब के समय में यह परंपरा ना के बराबर हो गई है, लेकिन जापान के गीशा जिले में अब भी कई महिलाएं अपने दांतों को कभी कभी काला करती हैं। गीशा, जो कि जापान की पारंपरिक महिला मनोरंजन करता होती हैं, वे कभी कभी इस प्राचीन प्रथा को जीवित रखने के लिए अपने दांतों को काला करती हैं। आज के मॉडर्न समय में जापान ने अपने कई पारंपरिक रिवाजों को छोड़ दिया है, लेकिन ओहागुरो की यह प्रथा एक यादगार और ऐतिहासिक परंपरा के रूप में आज भी जानी जाती है। यह हमें बताता है कि कैसे अलग अलग समय और समाजों में सुंदरता के मापदंड बदलते रहते हैं और किस प्रकार लोगों की मान्यताएं और रीति रिवाज समय के साथ बदलते हैं।